चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बिजली मंत्री रंजीत सिंह के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है और वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब के चंडीगढ़ पर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जब चंडीगढ़ बसया तब ये जो उसमें से बाद में तीन स्टेट बन गए, उसमें हरियाणा बन गया, हिमाचल बन गया, पंजाब बन गया। हम तीनों ही थे उस टाइम, हम इकट्ठे थे, सबकी तीनों इकट्ठी थी। उसमें अब सबकी हिस्सेदारी थी, 40% मारा था, 60 पंजाब का था। ठीक है कि हमारा फैसला नहीं है, इसलिए यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यूनियन टेरिटरी से तो मांगा हमने कि चंडीगढ़ में हमें बता, क्यों मांगा हमने? हमने इसलिए मांगा क्योंकि हमारे पास वगैरह हमारा 40% से है, पंजाब ने हमारा 40% दिया नहीं है। हमें उसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने कहा कि हम नहीं बना ले, क्यों झगड़ा करो? हालांकि वो चीज था कि हमारा पूरा पूरा वो सारा का सारा जो है वो अभी हमारे पास कम पड़े, इसलिए हमने मांगा। अब पीछे तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हम भी नहीं बनाओगे, मैंने कहा अपने वाली आप मारते हो तो हम नहीं बनाएंगे, क्या बात थी? अगर आपने नहीं बनाने का होगा, आप बना तो पुरानी मेरे रहे इसमें सर, कोई तुक नहीं है बात का। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, लॉजिक तो हो गया बात कहने का। हम अगर जमीन लेने लग रहे तो उसके बदले जमीन देने लग रहे। 66 में पंजाब हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ, हिमाचल अलग बन गया। उस वक्त शाह कमीशन बनता, शाह कमीशन ने जो अवार्ड करा उसमें चंडीगढ़ हमारा था, खर तहसील हरियाणा को दी गई थी, हिंदी स्पीकिंग एरिया था, इस करके हिंदी रीजन पंजाबी रीजन बने थे, चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था। उस वक्त अकालियों का दबदबा था, मार सतारा सिंह संत फतेह सिंह का, उस दबाव में इंदिरा गांधी ने आके वापस चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी रख लिया, हरियाणा को ट्रांसफर नहीं करा। फंडामेंटली तो हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा का बनता है, पर उस वक्त रोक दिया गया फैसला, अब यूनियन टेरिटरी है। ये काम सेंटर का है, उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने आपसे बताया ये यूनियन लिस्ट में आता है, वो अपनी वोट संख्या बनाने के लिए, पंजाब में अपना वो करने के लिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनका सब्जेक्ट।